दिल्ली और बिहार स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। इसका उद्घाटन भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहडालसा अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, एडीजे प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, एडीजे तृतीय रोहित शंकर समेत कई न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। भागलपुर डालसा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले में कुल 25 बेंच बनाए गए, जिसमें से भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में 18 बेंच, नवगछिया कोर्ट में 6 बेंच और कहलगांव कोर्ट के एक बेंच पर न्यायिक पदाधिकारी और पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई पूरी की गई। वहीं इस दौरान सुलहनी आपराधिक मामलों और पारिवारिक विवाद के अलावा बैंक, बीमा, बीएसएनएल, बिजली विभाग समेत कई विभाग से जुड़े सुलहनी लंबित मामलों और वादों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के भागलपुर न्याय मंडल में कुल 2,645 लंबित मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया, जबकि आपसी सहमति से 12,63,76,196 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। शिविर में मोटर दुर्घटना बीमा विवाद बाद के 37 वादों का निष्पादन हुआ, जिसमें 3,32,31,890 रुपये की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 739 लंबित सुलहनी आपराधिक मामलों का निष्पादन किया गया और बीएसएनएल से जुड़े 28 मामलों का निष्पादन हुआ। साथ ही बैंक से जुड़े 28 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 7,91,30,907 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी, भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के एडीजे, एसीजीएम समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता रमन करने के अलावा कोर्ट कर्मी अमित कुमार, तुलिका कुमारी और अनुपम कुमारी के अलावा काफी संख्या में न्यायालय कर्मी एवं विभिन्न जगहों से आए पक्ष मौजूद रहे। लोगों को बहुत बार आपकी जो आपके अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन को लोग देखते हैं तो उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उससे भी जो प्रचार होता है लोक अदालत के मामलों को सुलझाने में उनका भी सहयोग है। मैं अपने न्यायिक पदाधिकारी गण और सभी अधिवक्ता जो इस कार्य में संलग्न हैं और मैं पक्षकारों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। हमारे डीएम साहब का बहुत बहुत सहयोग रहा, उन्होंने उपाध्यक्ष की भरपूर भूमिका निभाई, आज एसएसपी साहब नहीं है और एक मुझे लगता है कि हमारे डीएलएसएस सेक्रेटरी साहब की ये पहली लोक अदालत है वो लगातार विभिन्न स्तरों पर होता है, उसी कड़ी में इस साल की आखिरी लोक अदालत है। और जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कुशल नेतृत्व में भागलपुर जो है लगातार अच्छे कीर्तिमान स्थापित करता रहा है और उसकी प्रशंसा राज्य स्तर पर भी होती रही है। तो इस बार भी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जितने हमारे सम्मानित न्यायिक पदाधिकारी गण हैं सभी लोग अच्छा सब लोग प्रदर्शन करेंगे और सारे पक्षकारों जो सब लोग आए हुए हैं आज सब लोगों को न्याय मिलेगा और बहुत त्वरित गति से जो है उनकी समस्याओं का समाधान और काफ़ी संख्या में केसेस डिस्पोजल होंगे। भागलपुर के कोयली खुटाहा पंचायत में मवेशियों की मौत मामले को लेकर पशुपालन विभाग की टीम काफी सक्रिय हो गई है। इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी रणधीर कुमार, पशु चिकित्सक समेत पशुपालन विभाग की टीम ने गांव के अलग अलग टोला में घूम घूम कर मवेशियों की जांच और इलाज की। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही यहां कई मवेशियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद इसकी पड़ताल में पशुपालकों ने मवेशियों में शराब बीमारी होने की आशंका जाहिर की थी और इससे पशुपालकों को लाखों का नुकसान होने की बात कही गई थी। वहीं इस खबर को प्राथमिकता के साथ सिल्क टीवी पर दिखाए जाने के बाद पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और पशु चिकित्सक सक्रिय हुए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारी और चिकित्सक ने खुटाहा गांव का दौरा किया। इधर शनिवार को जिला पशुपालन पदाधिकारी रणधीर कुमार विभाग के अधिकारी और पशु चिकित्सकों के साथ कोयली खुटाहा पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लेकर सभी टोला का निरीक्षण किया। इस दौरान
ग्रामीणों से बातचीत कर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वे स्वयं खुटहा पहुंचे हैं और मवेशियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि विभाग के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी लगातार प्रयासरत हैं और अलग अलग तरह की दवाइयां से मवेशियों का इलाज किया जा रहा है, जिससे पशुओं की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 पशुओं में बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है और जल्द ही पूरी तरह से पशु को स्वस्थ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि बीमारी होने के कारण लोग गाय के दूध की खरीदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस पर नियंत्रण हो रहा है और कोई डर की बात नहीं है। मौके पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर उदय दत्त बोस, डॉक्टर गिरीश कुमार सिन्हा सहित पशुपालन विभाग के कई अधिकारी पशु चिकित्सक मौजूद रहे। कि इस तरह से यहाँ मौत 40-50 की संख्या में होती है, पूरे गांव में अभी घूमे भी हैं और अब जो है स्थिति वो यही है कि बस 3 ही जानवर पूरे गांव में मिल पाए जिसमें थोड़ा सा लक्षण बचा हुआ है, अदरवाइज जिनका डेथ होना था वो तो डेथ हो गया है या रिकवर्ड हो चुके हैं। तो अभी सस्पेक्टेड जो भी हैं उनका हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है और 1-2 फ्रेश का भी हम कलेक्ट करेंगे, जिसको आप पटना हम सैंपल भेजेंगे टेस्ट के लिए कि इसका कारण क्या है। इस कारण को जानने के लिए ही ये पूरी टीम जिला की आई हुई है और ये हम लगभग 3-4 दिन लगता है कि वहाँ से रिपोर्ट आने में टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद ही पूरी तरह हम बता पाएंगे कि ये बीमारी क्या था। भागलपुर के रिहायशी इलाका आदमपुर चौक के समीप ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पहले ट्रांसफार्मर से चिंगारी उठी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी, जिसके कारण आसपास के घर भी इस आग लगी की चपेट में आ गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। इधर घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब जाकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वह इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। काफ़ी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। रजनीश है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। यहाँ दिक्कत यह है कि ये 20 साल पुराना ट्रांसफार्मर है और आप तार की स्थिति देख रहे हैं कि निहायत ही जर्जर तार है, ये आए दिन गिरते रहता है। हम लोग लिखित आवेदन पूरे डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं 4 साल से और पर्सनली जाके SDO साहब, SE साहब सबसे मिल के आए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस ट्रांसफार्मर पे इसकी क्षमता से बहुत ज़्यादा लोड होने के चलते ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया गया। हम लोग ने अपना पैसा खर्चा करके दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, लेकिन आवेदन दे के थक गए, उससे आज तक कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान हंगामा करते हुए 3 शराबी को करेला चौक से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शराबी को थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की, जिसमें 3 शराबी के शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं गिरफ्तार शराबी की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी संतोष तांती, विजय कुमार तांती और भीमकिता निवासी गुलाबी मंडल के रूप में हुई है। इसको लेकर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत 3 शराबी को न्यायिक हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया गया है। बिहार झारखंड के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स PG गायनेकोलॉजी सोसाइटी के 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन शनिवार को अलग अलग विषयों पर स्पीच और पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें भागलपुर समेत देश के विभिन्न राज्य और जिलों के पुरुष एवं महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी बात रखी। इस दौरान सुरक्षित प्रेगनेंसी, स्टेम सेल थेरेपी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, IVF ट्यूमर, मदर डेथ और बच्चों की अपंगता समेत कई तरह के स्त्री रोग एवं प्रसव से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि इलाज के लिए महिला डॉक्टर और मेडिकल छात्र छात्राओं को नए रिसर्च के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस अधिवेशन में यूथ गायनेकोलॉजिस्ट अवार्ड की शुरुआत की जा रही है, जो 40 साल से कम उम्र की सबसे बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सक को दिया जाएगा। अधिवेशन को डॉक्टर PC महापात्रा, दिल्ली के डॉक्टर GV शर्मा, आगरा की डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, पटना की डॉक्टर अनिता सिंह, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता वर्णमाल, डॉक्टर निधि, डॉक्टर कविता बापटा समेत देश के अलग अलग से आए डॉक्टरों ने संबोधित किया और शोध के माध्यम से आधुनिक तकनीक की मदद से इलाज करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अंजू तुरियार, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा, डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला चिकित्सक मौजूद रहे।
ये हम लोगों का 9वां जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है, जो कि बिहार झारखंड के जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका कॉन्फ्रेंस है ये, उसका नाम है AOGSBJ, मतलब एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ बिहार एंड झारखंड। उसका आज दूसरा दिन है जिसमें आज हमारा साइंटिफिक सेशन चल रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से बहुत ही बड़े बड़े जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आए हैं और वो यहाँ पर अपना साइंटिफिक जो भी नॉलेज है वो अपडेट कर रहे हैं और हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो अपडेटेड नॉलेज। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। भागलपुर मायगंज अस्पताल में एक महिला को पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल बांकामरपुर थाना क्षेत्र के मौलनाचक गांव में पुलिस का सरकारी पिस्टल छिनतई मामले में पुलिस द्वारा महिला मोनिका को हिरासत में लेकर उसके थाने में बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद अचानक से महिला की हालत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इलाज के लिए महिला को रेफर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उसे मायगंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को मौलनाचक गांव के फरार आरोपित लाल मोहन गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए टाइगर मोबाइल के जवान महेंद्र कुमार सिंह एवं मुकेश कुमार सादा निवास में मौलनाचक गांव पहुंचे थे, जहां लाल मोहन गोस्वामी एवं उसके स्वजन ने दोनों टाइगर मोबाइल के जवान पर हमला कर उनसे पिस्टल छीनकर फरार हो गया, जिसके तहत पुलिस द्वारा लाल मोहन गोस्वामी के परिवार को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें उसकी बहन भी शामिल थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मोनिका की पिटाई की गई है, जिसके थोड़ी देर बाद ही मोनिका कुमारी की हालत बिगड़ गई। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए लाए गए रथ का घोड़ा गाड़ियों की तेज आवाज के कारण भिदक गया, जिसके बाद आनन फानन में घोड़े ने अपना संतुलन खोकर दर्जनों दुकान समेत एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे एक साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको लेकर ग्रामीण मोहम्मद इसराइल ने बताया कि कोलगामा में एक शादी समारोह के दौरान घोड़ा रथ जा रहा था, तभी गाड़ी की आवाज सुनते ही घोड़ा बिगड़ गया और रथ समेत भागकर जम कर उत्पात मचाया, जबकि इस दौरान साइकिल से सब्जी लेकर कोलगामा अपने घर जा रहा युवक श्रवण कुमार घोड़े की चपेट में आकर घायल हो गया। वहीं इसके बाद घायल युवक को ग्रामीणों के द्वारा इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। ये सब्जी लेकर जो आ रहा था ना, वो घोड़ा उसका बिगड़ गया, उसके कारण जो बग्घी चला रहा था ना उसको फेंक दिया, और उसको फेंकने के बाद में जो ये सबको रौंदते हुए वो बग्घी यहाँ आके लगा। कितने लोग घायल हुए हैं? अब घायल कितने लोग हैं हम पूरे को तो देखे नहीं। ये क्या है? ये तो हमारा भतीजा ही है। क्या नाम है? सरवन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी तनवीर हसन ने कैलाश प्रसाद यादव को सुल्तानगंज प्रखंड का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। वह इसके बाद पटना इंटरसिटी से सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचने पर राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष का स्वागत युवा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल के नेतृत्व में फूलमाला पहना कर किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तनवीर हसन के साथ कैलाश प्रसाद यादव के समर्थन में नारा लगाया। वहीं स्वागत के दौरान प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश के द्वारा उन्हें सुल्तानगंज में जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हुए पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे, जबकि जनता की जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। मौके पर राजद नेता विवेकानंद यादव, बासुकी यादव, दिलीप गुप्ता, अफरोज आलम समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड सुल्तानगंज
हम लोग सभी परिवार एक थे, एक हैं और आगे भी, और राजनीतिक में जो ये है प्रचलन जो है, हम लोग अपने अपने अधिकार के लिए, अपने पद के लिए, सभी को अधिकार है, सभी लोग चाहते हैं हम आगे बढ़ें, है ना। लेकिन जब प्रदेश नेतृत्व तो जब उसका निराकरण कर देता है तो सब परिवार अगले दिन से ही हम एक हैं, कोई दुराव नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, हम लोग सब एक हैं।